गाइज़ कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में ठंड से बचे हुए हो होगे कोई बाहर अपने काम पे भी होगा हर कोई घर में तो हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकता और आप मेरी ये वीडियो आज देख रहे होंगे तो आज की ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं है कोई मेरा डेली रूटीन नहीं है आज मैंने ये वीडियो बनाई है अपनी जॉब से रिलेटेड तो कई लोग सोचते होंगे भाई ये महीने का कितना कमा लेती होगी ये हरियाणा पुलिस में है क्या इसकी सैलरी स्टेटस होगा क्या इसका वर्कलोड होता होगा और भी जो हरियाणा में अपने कॉन्स्टेबल्स हैं उनका क्या कुछ ड्यूटी सीन रहता है क्या कुछ उनका सैलरी स्टेटस रहता है तो आज की वीडियो मैंने बनाई है मेन अपने सैलरी स्टेटस के लिए क्या मेरी सैलरी है क्या बेसिक है कितना मुझे मिलता है कितने मेरे अलाउंस कटते हैं मिलते हैं तो आज की ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो से तो लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको मेरी सारी सैलरी और अलावेंस वगैरह का पता लगाना है तो तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से सो uh, so अपना पहला क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का सैलरी स्टेटस क्या रहता है तो अपना जो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल रैंक पे पोस्टेड होते हैं जिनका डिजिग्नेशन कांस्टेबल होता है उनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है बाईस हज़ार सौ से लेके उनहत्तर हज़ार सौ तक यानी कि अप्रोक्सीमेटली सत्तर एक हज़ार ऐसा नहीं होता भी किसी को बाईस हज़ार मिलते किसी को सत्तर एक हज़ार अगर आप सिर्फ कॉन्स्टेबल की पोस्ट पे हैं और आपका कोई प्रमोशन नहीं होता तो आपकी जो मैक्सिमम सैलरी है वो सत्तर हजार की अप्रोक्स तक हो सकती है मतलब कुछ सालों की ड्यूटी ड्यूटी नहीं सॉरी जॉब करने के बाद तो ये है अपना सैलरी स्टेटस तो 2022 में जो अपनी बेसिक पे थी वो हो गई थी बाईस हजार एक सौ रुपये दो में थी अपनी इक्कीस हज़ार सात सौ कुछ तो हर साल ना ऐसे आपकी बेसिक वगैरह बढ़ती रहती है इंक्रीमेंट्स लगते रहते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू है कि भाई साल में कितनी बार इंक्रीमेंट लगता है तो हरियाणा पुलिस में साल में दो बार इंक्रीमेंट लगता है ये सारे क्वेश्चन मैंने एक पेपर पर राइट डाउन कर लिए हैं ताकि मैं आपकी जो क्वेरीज हैं वो मैं एक एक करके बताऊं कुछ भूल ना जाऊं इस करके तो फिर जो अपना साल में इंक्रीमेंट लगते हैं वो दो लगते हैं एक लगता है जनवरी में और एक लगता है जुलाई में दो बार इंक्रीमेंट लगते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना थ्री है ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग जो हम ट्रेनिंग करते हैं अपनी हरियाणा पुलिस की तब हमें कितनी सैलरी मिलती है तो ट्रेनिंग में हमें सैलरी मिलती है कुछ एक अलाउंस को हटा के जो बेसिक तो सैलरी अपनी होती है बेसिक सैलरी प्लस अपना डी ए भी मिलता है हमें ट्रेनिंग में और हमें मेडिकल अलाउंस भी मिलता है और टी ए भी मिलता है हमें अगर कहीं से हमारी नफरी जाती है अंडर ट्रेनिंग भी कई बार इलेक्शन ड्यूटी आ जाती है कई बार कुछ भी आ जाता है ऐसे जो वी आई पी ड्यूटीज़ होती हैं लाइंड ऑर्डर ड्यूटीज़ जहाँ पर भी नफरी भेजनी जरूरी हो जाती है तो उनका हमें टी ए भी मिलता है तो बेसिक सैलरी जो अपनी बाईस एक सौ है और साथ में पाँच एक हज़ार अपना जो डी ए होता है टी ए में टी ए भी कुछ यूँ लगा लो कर जाए तो वो अपना डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है तो ओवरऑल मिला के तीस एक हज़ार तक हमें अंडर ट्रेनिंग अपनी सैलरी इन हैंड मिल जाती है तो ये है अपनी भाई अंडर ट्रेनिंग कितनी सैलरी होती है और आफ्टर ट्रेनिंग जब हम ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं अपनी पोस्टिंग पे पहुँच जाते हैं तब हमारी सैलरी कितनी होती है तो उस टाइम हमें जो हमारा एच आर ए है यानी कि हाउस रेंट अलाउंस वो भी मिलने लग जाता है जो कि बाईस सौ के अप्रोक्स है तो आप इसमें ऐड करके देख लीजिएगा बत्तीस हजार से लेके चौंतीस हजार के बीच आपकी इन हैंड आपको सैलरी जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में होती है वो मिल जाती है और जितने अपने अलाउंस होते हैं लाइक like, एच आर ए टी ए डी ए मेडिकल अलाउंस राशन अलाउंस ये ओवरऑल हमारी जो बेसिक सैलरी है इसमें कितना ज़्यादा हमें ऊपर का मिलता है मतलब यानी कि जो हमारे अलाउंस है उनका कितना मिलता है तो जैसे कि मैंने बताया बेसिक होती है अपनी बाईस सौ बाईस हज़ार सौ और ओवरऑल ये सारे डी ए जो अलाउंस होते हैं जैसे डी होता है अपना पाँच हज़ार एच आर ए होता है अपना बाईस uh, सौ के अप्रोक्स हो जाता है अपना एच आर ए और टी ए वगैरह हर महीने दो हजार ढाई हजार अगर आप बाहर कहीं ड्यूटीज पे जाते हैं वो हो जाता है तो ये सारे अलाउंस वगैरह मिल के इन हैंड एक कॉन्स्टेबल को सैलरी मिलती है आफ्टर ट्रेनिंग मतलब तो हमें मिल जाती है बत्तीस तैतीस हजार के आसपास हमें मिल जाती है सैलरी तो ये है अपनी इसी इसी में सारे मैंने अलाउंस भी बता दिए मेडिकल अलाउंस राशन अलाउंस जो वॉशिंग अलाउंस होता है वॉशिंग अलाउंस भी हमें मिलता है तो ये सारे अलाउंस करके हमें बत्तीस इन हैंड सैलरी मिल जाती है और जो मैं ये सैलरी बता रही हूँ ये अपने सेवन्थ पे कमीशन के अंडर जो सैलरी हमें मिलती है ये वो सैलरी है सेवन्थ पे कमीशन के लिए और इंक्रीमेंट जो होता है हर छठे महीने कम से कम तीन से तीन सौ चार सौ के आसपास हमारा बढ़ जाता है तीन सौ या चार सौ रुपीज इंक्रीमेंट हमारा हर छठे महीने बढ़ जाता है जो अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है वर्कलोड को लेके मेरी एक दो सब्सक्राइबर हैं जिनका अभी जो ये भर्ती चल रही है जिसपे कोर्ट केस हुआ है उसमें उनका सिलेक्शन हो रखा है और उनकी ये क्वेरीज़ है कि भी वर्कलोड कैसा होता है हरियाणा पुलिस में ऑफिस की जॉब अच्छी रहती है या फिर आपकी जीडी की जो जनरल ड्यूटीज हम देते हैं तो अपनी अपनी ना भी पसंद हो जाती है कि आपको ऑफिस वर्क करना पसंद है या फिर आपको जीडी जैसे मुझे जीडी पसंद है जनरल ड्यूटीज भी डेली आपको एक नया कुछ सीखने को मिलता है आज ये ड्यूटी इस ड्यूटी में ऐसे ऐसे आपको ये ड्यूटी करनी है आज वहाँ जा रहे हैं वहाँ जा मतलब जैसे घूमना फिरना टाइप या फिर कई बार थाने में भी जे के काम हमें मिल जाते हैं और ऑफिस के अंडर आते हैं मतलब जैसे एसपी ऑफिस में डीएसपी ऑफिस में कोर्ट में भी हमारी ड्यूटी होती है तो वो भी एज आ ऑफिस वर्क ही होती है तो ऑफिस की जो ड्यूटीज़ होती है मेनली जो हमारी टाइमिंग रहती है वो नाइन टू फाइव रहती है लेकिन इन केस ऑफ एमरजेंसी आपको जल्दी भी बुला सकते हैं लेट तक भी छोड़ सकते हैं वो होता है आपका वर्कलोड के ऊपर और भई देखो ऑफिस में तो सारा पेपर वर्क कंप्यूटर वर्क ये होता है आपको कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए अगर आपको ऑफ़िस में जॉब चाहिए तो और फिर अपने एसपी साहब जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है बकायदा कि भाई कौन किसकी पोस्टिंग आप ऑफिस में करेंगे कौन थानों में जाएगा जनरल ड्यूटी के लिए थानों में भी आपको ऑफिस वर्क मिलता है क्योंकि थानों में अपने होते हैं ऑपरेटर्स ऑपरेटर का काम होता है वो डेस्क जो भी होती है लेकिन उनकी जो टाइमिंग होती है वो जिडी वालों की तरह होती है डे नाइट करते हैं वैसे तो एक लड़की ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि भी आपकी कितने आर्स की ड्यूटी होती है तो मैम मैं आपको बताना चाहूँगी हमारी ड्यूटी होती है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आपने सुना ही होगा जो हॉस्पिटल्स होते हैं और जो पुलिस की जॉब होती है उनकी ड्यूटी होती है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन तो ऐसा नहीं है कि भी आप आ, मैंने अगर नाइन टू फाइव बता दिया तो आप नाइन टू फाइव ही होगी ना आपको लगातार दो दो तीन तीन दिन, दिन भी ड्यूटी करनी पड़ जाती है लगातार आपको हफ्ता हफ्ता भी ड्यूटी करनी पड़ जाती है तो वो सारा होता है भाई कैसे जो अपनी ड्यूटी है स्टाफ कितना है ड्यूटी क्या है वीवीआईपी ड्यूटी है कैसी ड्यूटी है उसके अकॉर्डिंग सब जो अपने महकमे में भी मैनेज करके चलना पड़ता है आई होप आज की इस वीडियो से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया होगा और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर आपकी कुछ और भी क्वेरीज हैं तो आप मेरे को कमेंट करके छोड़ सकते हैं मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी सो so, आज की इस वीडियो में इतना ही बने रहिए वीडियो के साथ